हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.3 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चंस को छोड़कर सेकंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन ईच केस विच गिव द नंबर ऑफ नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। देखिए यहां पर सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट बिट। सम ऑफ द जीरोस आपको पता ही है, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। इसका क्वेश्चन दे रखा है यहां से 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप यहां पर ले लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसके बेस पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा 1/4, एक्स अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहां पर 1 डालेंगे, यहां पर 1, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 कैंसल एक्स, 4 1 4 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये इक्वेशन है। चलिए सेकेंड बिट √2 1/3, सेकेंड बिट लेंगे √2 और 1/3। सम ऑफ द जीरोस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट आप ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2, एक्स अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर भी 1, एलसीएम हो जाएगा 3, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू √2x 3√2x, 3 गेट कैंसल, 1 इज इक्वल टू 0। ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 हो जाएगा 0। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थर्ड बिट √5, सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पर फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें, ये फॉर्मूला देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहां पर 0 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस √5 है इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 0 हटाकर √5 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ बिट देखिए 1,1, ये सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आपके पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1x, अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0, बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 1/4 फिफ्थ बिट है, -1/4, 1/4। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सम ऑफ द जीरोस ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4,
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ का माइनस प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² प्लस 4 कैंसल एक्स, 4 कैंसल 1 इज इक्वल टू 0 के 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर जीरोस। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अल्फा बीटा गिवन है, अभी जैसा करे उसी तरह है। फर्स्ट बिट देखिए, ये अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब ये सेपरेट दे रखा है क्योंकि सम ऑफ द जीरोस। अब इसका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 2, बीटा माइनस 1, फिर एक्स, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों को माइनस करेंगे बना जाएगा एक्स, 2 1 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए सेकेंड बिट, अल्फा इज इक्वल टू रूट 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स का ये फार्मूला आपके पास है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या होगा रूट 3, बीटा क्या होगा माइनस रूट 3, ये एक्स, अल्फा इंटू बीटा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर रूट 3 माइनस रूट 3 0, एक्स, 3 जो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 1/4 थर्ड बिट, अल्फा इज इक्वल टू 1/4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये आप होमवर्क में कर लीजिए। ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1/4, बीटा माइनस 1, एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम 4, 1 1 ज़ 1 माइनस 4 1 ज़ 4, एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/4, एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² प्लस 4 कैंसिल 3x, 4 कैंसिल 1 इज इक्वल टू 0। इसको 4x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ए बीटा आप होमवर्क में, ए बीटा आप होमवर्क में कर लीजिए, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 1 माइनस 1 प्लस 3 आर द जीरोस। पहले ये ले लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 3 माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3। इसके अंदर ये सब्सटूट करके जीरोस हो रहे हैं क्या चेक करना है, पी ऑफ 1 सब्सटूट करेंगे, ये 1³ माइनस 3, ये 1² जहां पर भी एक्स है माइनस 1 प्लस 1 रखेंगे ये 3 होगा, जहां पर भी एक्स है वहां पर पहले हम क्या रखें प्लस 1। अब 1 1 ज़ 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3, ये 3 3 3 3 कैंसिल, ये 0 हो गया। फिर दोबारा माइनस 1 रखना है, देखिए पी ऑफ माइनस 1 माइनस 1³ माइनस 3 माइनस 1² माइनस माइनस 1 प्लस 3। माइनस 1 को 3 टाइम लिखे 1, ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस टू माइनस प्लस 1 प्लस 3, प्लस 3 माइनस 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0। फिर क्या रखना है 3, जहां पर भी एक्स 3 रखिए, पी ऑफ एक्स ही प्लस में 3, फिर 3³ माइनस 3 3² माइनस 3 प्लस 3, 3 3 ज़ 9 3 ज़ 27 माइनस 3 3 ज़ 9 3 ज़ 27 माइनस 3 प्लस 3, ये दोनों कैंसिल बच गया 0। ये पूरे जीरोस हो रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस 1 3 को अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, गामा इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि इसके आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे क्या दे रहा है, चेक रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का आपको रिलेशन मालूम करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा x³ माइनस
3x² - x + 3. A is equal to a 1, B is equal to minus 3, C is equal to minus 1, D is equal to 3. क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए अब फर्स्ट स्टेप ले लेंगे सम ऑफ द जीरोस विथ थ्री वेरिएबल्स क्या क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दोनों बराबर आना चाहिए आपको। अल्फा यहां से ले लीजिए 1, बीटा -1, गामा -3 + 3, ये -3 है +3 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ए है यहाँ पर 1, ये दोनों कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3, ये दोनों बराबर हो गए। इस तरह आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सम ऑफ द जीरोस विथ टू वेरिएबल्स, फिर दोबारा सम ऑफ द जीरोस विथ टू वेरिएबल्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्वेश्चन के अंदर से अल्फा 1 है, बीटा -1 है, बीटा -1 है, गामा 3 है, फिर अल्फा है -3 +3, गामा है 1, गामा 1 इज इक्वल टू सी बाई ए, सी यहाँ से -1/1, ये -1 -3, ये 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू -1, ये दोनों कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1, ये हो गया ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विथ थ्री वेरिएबल्स क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, अल्फा 1, बीटा -1, गामा 3 इज इक्वल टू d 3, a 1, ये -1 × 3 = 3 इज इक्वल टू -3 × 1 = 3, ये दोनों भी बराबर हो गए। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।